हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम 2021 में जो जेआरए प्लांट साइंस का पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 2021 में जो पेपर आया था वो किस तरह का पेपर था, उसके आंसर की आज रिलीज़ कर दी गई है, तो कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि मैच द कॉलम टाइप का था, तो उसमें दिया है कि डाई पिक्लोनिक एसिड तो ये किस में पाया जाता है। तो जो डाई पिक्लोनिक एसिड है ये एंडोस्पोर की विशेषता है, मतलब कि पहले को हो जाएगा। दूसरा, माइकोप्लाज्मा किस में आता है, मॉलिक्यूल्स में आता है। तो जो उसका अपन क्लासिफिकेशन करते हैं बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है। अब जो तीसरा है हीट लाइवल लिक्विड, तो हीट लाइवल लिक्विड्स मतलब कि ऐसे लिक्विड्स जो कि टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होते हैं उनको बोलते हैं हीट लाइवल लिक्विड्स। तो इनका जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो इसमें फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है, तो इसका हो जाएगा क्या, फ़िल्टर। कारण क्या है कि फ़िल्टर का यूज़ करने का, कि वो अगर उसको हम ऑटोक्लेव वगैरह या किसी भी टेम्परेचर द्वारा अगर उसको हम स्टरलाइज करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि वो डिजेनरेट हो जाएगा। जैसे कि अगर प्रोटीन वगैरह हुआ तो ये डिग्रेडेट हो जाते हैं, एंजाइम्स एंटीबायोटिक्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और जो स्टीम अंडर प्रेशर है इसका हो जाएगा आंसर डी। तो इसका जो वास्तविक आंसर आना चाहिए पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का डी, मतलब किसका आंसर होगा बी। इसके बाद ये सही आंसर बी। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड मेथड फॉर द सीड जर्मिनेशन टेस्ट इन मस्टर्ड, तो जो मस्टर्ड है तो अब आप इसका आंसर कैसे लगाओगे। तो देखो, जो मस्टर्ड का जो सीड होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो जब छोटे सीड साइज़ होता है तो उसके लिए जो रिकमेंडेड मेथड है सीड जर्मिनेशन के लिए वो कौन सी है, टॉप ऑफ द पेपर मेथड, मतलब किसका आंसर होगा बी, टॉप ऑफ द पेपर मेथड। तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एसर्सन एंड रीजनिंग टाइप का, इसमें बोला गया है कि अमेरिकन ग्रेपवाइन रूट स्टॉक्स हेल्प द फ्रांस फार्मर्स टू कंट्रोल रूट एफिड्स। तो जो अमेरिकन ग्रेपवाइन का रूट स्टॉक था उसने फ्रांस के फार्मर्स की रूट एफिड्स को कंट्रोल करने में मदद की। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बट वो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि रूट एफिड रेजिस्टेंट अमेरिकन रूट स्टॉक वाज आल्सो रेजिस्टेंट टू ग्रेपबाउंड डाइनी मॉड्यूल। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा सी। देन इसके बाद अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन भी एसर्सन रीजनिंग टाइप का है, उसमें बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस डिफेंड क्रॉप प्लांट्स अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो ये सही है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बहुत सारे पैथोजेंस से लड़ने में मदद करता है और वर्टिकल रेजिस्टेंस किसी एक स्पेसिफिक पैथोजेंस से प्लांट की रक्षा करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। उसमें ये बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज मोर फ्रिक्वेंटली एक्सप्लॉयड इन द रेजिस्टेंस ब्रीडिंग प्रोग्राम देन वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वर्टिकल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मतलब किसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ये चारगाफ जो रूल है बेसिकली उससे पूछा गया है। सी आर्चिन का डीएनए दे रखा है और उसमें बोल रहा है कि 10% ऑफ द बेसिस आर सोन टू बी साइटोसाइन। अब प्योर जो चारगाफ का जो रूल है वो क्या बोलता है कि जो प्यूरिन है वो बराबर होगी किसके, पायरिमिडीन के, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। तो देखो, जब सीधी बात है, जब साइटोसिन की बॉन्डिंग किसके साथ होती है तो साइटोसिन की ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग होती है और ट्रिपल बॉन्ड बीच में बनते हैं हाइड्रोजन। तो जितनी मात्रा साइटोसिन की होगी उतनी ही मात्रा क्या होगी, ग्वानिन की होगी। तो सीधी बात है, जब साइटोसिन 10% पाया जा रहा है तो ग्वानिन कितने परसेंट पाया जाएगा, 10%। तो पहला आंसर सही हो जाए, ए सही है। इसके बाद जब ग्वानिन और जब साइटोसिन मिला के 10% हो गए 20, अब बचा कितना, 80%। तो एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये दोनों कितने होंगे, 40% होंगे। एडिनिन और थायमिन कितने परसेंट होंगे, 40 हो गए। अब देखो, बोल रहा है कि प्यूरिन्स मतलब कि एडिनिन और ग्वानिन की अगर मात्रा मिला देंगे तो ये कितना होगा, 50% होगा। और जबकि प्यूरिन और पिरामिडिन की मात्रा दोनों की 50-50% होगी, बट ये बोल रहा है कि थायमिन 20% होगा, तो ये गलत होगा क्योंकि थायमिन भी कितने परसेंट होगा, 40% होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, पहला बी, डी और ई सही हैं, और जो सी ऑप्शन है वो गलत है। तो जिन जिन में सी ऑप्शन है, मतलब इन दोनों में सी ऑप्शन है और डी में सी ऑप्शन है, तो ये सी वाले गलत हो जाएंगे और इसका अपना आंसर आ जाएगा सी। अब इसके बाद छठा क्वेश्चन है जो नेशनल इंस्टीट्यूट से उनसे रिलेटेड पूछा गया है, नेशनल ब्यूरोज से। तो NVPGR कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। NVAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये करनाल में है। फिश जेनेटिक रिसोर्सेज का कहाँ पे है, लखनऊ में है।
और सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का जो नेशनल ब्यूरो है वो कहाँ पे है, नागपुर में। तो इसका सीधा आंसर आएगा अपना कौन सा, फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा, पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट और तीसरे का सेकंड और चौथे का अपना कौन सा आईवी, मतलब किसका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ। इसके बाद हम देखें सेवन्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें एर्बोरेटम, तो ये क्या होता है, बायोजियोग्राफिक एर्बोरेटम, तो ये क्या होगा अपना, बॉटेनिकल गार्डन विथ ट्रीज एंड सर्व्स। और इसके बाद अगर बात करें हर्वेरियम, तो हर्वेरियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ड्राइड लीफ स्पेसिमेंट्स। और बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक जियोग्राफिक रीजन्स होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और जर्म प्लांस में क्या होता है, तो ये सम टोटल ऑफ जीन्स जो होते हैं स्पीसीज के, उसको हम बोलते हैं जर्म प्लांस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा पहला ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवा क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि रस्ट डिसीज आर कॉज्ड बाय, तो रस्ट डिसीज देखो पक्सीनिया के द्वारा कॉज्ड होता है, एल्बुगो सेफेलोस्पोरस, जो रेड रस्ट बात करें टी और मैंगो में सेफेलोस्पोरस द्वारा होता है। इसके बाद ओरोमाइसिस पल्सेस में जनरली कॉज करता है, और इसके बाद जिम्नोस्पोरेंजियम, तो ये रस्ट कॉज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इनमें से कौन सा इनके सापेक्ष में सही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे कि पक्सीनिया कॉजेज रस्ट ओनली ऑन वीट, गलत है ये, क्योंकि पक्सीनिया बाकी जो क्रॉप्स हैं उनमें भी रस्ट कॉज करता है, जैसे कि बाकी अगर देखें सनफ्लावर वगैरह हो गया और भी अदर जो क्रॉप्स हैं उनमें भी ये रस्ट कॉज करता है, तो पहला गलत हो गया। इसके बाद सेफेलियोस्पोरस कॉजेज रस्ट ऑन बारले, थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है, तो वो भी गलत है, क्योंकि ये सेफेलियोस्पोरस मेनली किसमें कॉज करता है, जो अपने टी और मैंगो होता है उसमें ये कॉज करता है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। इसके बाद ओरोमाइसिस एंड जिम्नोस्पोरियम दिया है कॉजेज रस्ट ऑन टोमेटो, ये गलत है, ठीक है। ये जनरली ओरोमाइसिस और जिम्नोस्पोरियम जनरली पल्सेस में कॉज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, एल्बुगो कॉजेज रस्ट ऑन मस्टर्ड। तो जो एल्बुगो कैंडिडा है जिसको हम बोलते हैं वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, तो ये किसमें कॉज करता है, मस्टर्ड में कॉज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो बीटा जो हेलिक्स है, ये दो तरह के पाए जाते हैं, बीटा हेलिक्स और अल्फा हेलिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अल्फा हेलिक्स, सी आंसर। इसके बाद नवा जो दसवां क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट इन द सीड टेस्टिंग गिव्स क्लियर इंडिकेशंस ऑफ, देखो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है उसमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है, इंटेग्रिटी होती है, उस पर ये बेस्ड होता है, कि मतलब कि किस तरह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो लीच आउट होंगे, उसी के बेस्ड पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को निकाला जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सी, सीधी बात। इसके बाद नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि एक असर्शन टाइप और रीजन टाइप का क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि इन द वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स इज अ लेंथ ऑफ 10 बेस पेयर, मतलब कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बोला गया कि एक टर्न यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो टर्न है उसमें कितने बेस पेयर होंगे, तो इसमें बोला गया कि 10 बेस पेयर होते हैं, ये बिल्कुल सही है, 10 बेस पेयर की इसमें लेंथ होती है। और बोला गया कि ईच कंप्लीट टर्न ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स इज 3.4 बेस 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग लॉन्ग, तो ये गलत है, क्योंकि इसने इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग इसके बीच की जो है डिस्टेंस वो होती है। कारण क्या है कि एक जो बेस होगा, 10 बेस पेयर होते हैं उनके, एक के बीच में होती है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग की जो डिस्टेंस वो होती है, और अगर हम पूरा एक टर्न में बात करें तो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग इसमें क्या होगा, इसमें बीच में वो देखने को मिलती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट। इसके बाद अगर 12वां क्वेश्चन देखें, तो आरएनए प्रोसेसिंग जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, तो आरएनए प्रोसेसिंग में इनमें से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो आरएनए प्रोसेसिंग में स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जो एचएन आरएनए है उससे एमआरएनए के बनने को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब एचएनआरएनए में क्या क्या होता है, एचएनआरएनए में क्या होता है, इंट्रोन और एक्सॉन दोनों पाए जाते हैं, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, इंट्रोन्स को हटा दिया जाता है, स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रोन्स एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सॉन, तो ये सही है। इसके बाद क्या किया जाता है कि जो फिफ्थ एंड होता है, जिसका जो फिफ्थ एंड है यहाँ पे, उस पर क्या किया जाता है, कैपिंग की जाती है फिफ्थ एंड पे, और थर्ड जो एंड है उस पर क्या किया जाता है, पॉली एडेनाइन टेल को जोड़ा जाता है। तो पहला सी और ई इसमें क्या होगा, सही होगा, पहला सी और ई, मतलब जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 13वां जो क्वेश्चन है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ठीक है। वरवरी इज एन अल्टरनेटिव होस्ट ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनस टेट्रिसी, तो जो रस्ट होती है ब्लैक रस्ट या जिसको हम स्टेम रस्ट ऑफ वीडियो बोलते हैं, वो उसका जो अल्टरनेटिव होस्ट है वो कौन सा है, वरवरी बल्गेरिस है। तो इसका ये फर्स्ट जो है वो सही है, मतलब कि एसर्शन क्या है इसका, सही है। बट जो इसका रीज़न है कि बर्बरी प्ले की रोल इन द रस्ट एपिडेमिक्स इन इंडिया, ये गलत है। इसके पीछे कारण क्या है, देखो कि जब भारत में जो रस्ट होती है उसके पीछे रीज़न है जो हिमालयन क्षेत्र है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ जो नीलगिरी हिल्स हैं उसमें उपस्थित जो रेडियोस्पोर्स होते हैं वो इसका मेन रीज़न है भारत में एपिडेमिक्स में। और इसमें जो बर्बरी मेनली कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, एसर्सन इज अ राइट एंड रीजन वाज अ फॉल्स, इसका सी आंसर हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो 14वां क्वेश्चन आइसोलेशन डिस्टेंस दिए सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में, तो जब भी आइसोलेशन डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले देखना है कि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में पूछ रहा है कि वो फाउंडेशन सीड में पूछ रहा है, तो सीधी बात है सबसे पहले देखते हैं किस क्रॉप की है। तो वीट की बात करें तो वीट के लिए सर्टिफाइड और फाउंडेशन में दोनों होता है तीन तीन, तो पहले का हो गया सी, सीधी बात है कि डी ऑप्शन आपका कट गया। अब बात करें कंपोजिट वैरायटी ऑफ मेज, तो जो मेज की जो कंपोजिट वैरायटी होती हैं उसमें कितना यूज़ किया जाता है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो है कितनी अपनी 200, इसका फाउंडेशन के लिए 400 मीटर और कंपोजिट है और उसकी सर्टिफाइड है तो उसके लिए कितना 200 मीटर। अगर बात करें रेडिश की तो रेडिश में कितना है क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो सीधी बात है इसमें 1000 मीटर की इसको डिस्टेंस चाहिए। और पिजन भी क्या है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है तो इसके लिए इंटरमीडिएट टाइप की मतलब 100 मीटर की इसके लिए डिस्टेंस चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का आईवी और सी का फर्स्ट, और जो डी है उसका सेकंड आंसर मतलब कि बी। इसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रोथ रेगुलेटर्स विच कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड एज अ फाइटोहार्मोन्स, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने वाले ग्रोथ रेगुलेटर्स पाए जाते हैं उनको हम फाइटो हार्मोन्स ही बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स बोलो या प्लांट हार्मोन बोलो बात ही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। एपिकल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द ब्रांचेस एंड रूट, और जो सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो ये बोल रहा है कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ की लंबाई में बढ़ने के लिए, जो प्लांट की जो लंबाई है उसमें बढ़ने के लिए। तो सीधी बात है एपिकल जो मेरिस्टेम्स होंगे वो लंबाई बढ़ने के लिए काम करते हैं और लेटरल जो मेरिस्टेम्स है वो सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह इनमें काम में आता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मतलब आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोसिस कैन नॉट बी फिक्स्ड इफ़ इट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू, बोल रहा है कि हेट्रोसिस को फिक्स नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी फिक्स्ड इफ इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू। तो बोल रहा है कि कैन नॉट लिखा, सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा, उसने लिखा कैन नॉट। अगर आप एपोमिक्सिस है तो आप फिक्स कर सकते हो, बैलेंस लीथल सिस्टम है आप फिक्स कर सकते हो, सीधी बात है। आप वेजिटेबली रिप्रोडक्शन कर रहे हो तो आप फिक्स इसको कर सकते हो। तो ये जो तीन मेथड है इनके जनरली क्या किया जाता है, जो हेट्रोसिस उसको फिक्स किया जाता है, बट डेवलपमेंट ऑफ F1 हाइब्रिड और डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज, तो इनके द्वारा हम जो हेट्रोसिस उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 17वां ये सेल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें बोला गया है कि जो स्लीडन एंड स्वान थे प्रपोज्ड द फर्स्ट टू कंपोनेंट ऑफ द सेल थ्योरी, जो बता रहा है कि फर्स्ट जो टू कंपोनेंट है कि जो सेल यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है, और जो थर्ड कंपोनेंट है सेल का जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया है जिसमें वो उन्होंने बताया कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से बनती है, ओमिनस सेल्यूल ई सेल्यूल। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो कैसे हैं, करेक्ट हैं, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद है कि 18वां क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस, तो ये भी सही है, और बोला है कि साइटोसॉल इज द साइट ऑफ पिरामिडीन सिंथेसिस, तो ये दोनों सही है। प्लास्टिड में क्या होता है प्यूरिन का सिंथेसिस होता है और साइटोसॉल में पिरामिडीन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद अगर देखो 19वां क्वेश्चन, तो द ट्रू फंगी इज अ टिपिकल टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म, ट्रू फंगी पॉजेस काइटिन इन द सेल वॉल, तो देखो जो ट्रू फंगी होती हैं वो क्या होती हैं, काइटिन उनकी सेल वॉल में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, जबकि जो ट्रू फंगी होती हैं वो मेनली क्या होती हैं, टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म होती हैं, मतलब कि स्थानीय होती हैं वो, ठीक है, टेरेस्ट्रियल लैंड के लिए ज़्यादा अडॉप्टिव होती हैं, जैसे कि पक्सिनिया वगैरह मान लो बीसीडियोमाइसिटीज जनरली आप देखें तो वो टेरेस्ट्रियल ही होती हैं। अब बात करें देखो अगर जो हम
स्यूडो फंगस की बात करें, जैसे कि मिक्सोमाइकोटा वगैरह हो गए, या जो बेस लोअर फंगी बात करें, तो वो जनरली क्या होती थी कि उनमें जो जूस्पोर बनते थे, अब जो जूस्पोर क्या रहता है कि वो एक उनके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती थी, जल की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो क्या थे कि मेनली क्या थे कि उनके लिए पानी की आवश्यकता रहती थी। तो अब जो बने हैं उनके लिए क्या है कि वो एप्लेनोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जनरली अगतिशील होते हैं, और वो टेरेस्टेरियल जो है उसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट करेक्ट। और जो ट्रू फंगी होती है उनमें क्या पाई जाती है, काइटिन पाई जाती है, जबकि अपन बात करें लोअर फंगी जैसे ओमाइसिटिस वगैरह हुआ, तो इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है मेनली अगर देखें तो। इसका आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20वां है, उसमें बोला गया है द प्री 1940 जीन्स वेयर कंसिडर्ड टू बी लाइक बीट्स ऑन द स्ट्रिंग एंड नॉट डिवाइजेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस पर, बेंजर्स एक्सपेरिमेंट करके मैंने एक वीडियो अपलोड की है, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो 1940 से पहले ये माना जाता था कि जो जीन है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब कि यूनिट है वो 1940 से पहले। और ये किस पे, जैसे कि जो स्ट्रिंग पे बीट्स होते हैं उसकी तरह ये संरचना देखने को मिलती है 1940 से। बट 1940 में एक वैज्ञानिक आए सीवी ओलिवर, उन्होंने ये बताया कि जीन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसको आगे भी सब डिवाइडेड कर सकते हैं। इसके बाद अपने बेंजर आए, उन्होंने बताया कि सिस्ट्रॉन, म्यूटोन और रेकॉन वगैरह ये होते हैं। तो ये मैं पहले ही इसको पढ़ा चुका हूँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। इसके बाद बिल्ट डिसीज आर कॉज्ड बाय, तो देखो सीधी बात है, बिल्ट डिसीज हीट से नहीं होता, ड्रॉट से नहीं होता, वायरस द्वारा नहीं होता, बैक्टीरिया और फंगी इसके मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्या, बिल्ट डिसीज होने के। जैसे कि अगर बैक्टीरिया में अगर बात करें अपन, ठीक है, और फंगी में जैसे तो फ्यूजोरियम वगैरह ये सब क्या करते हैं, बिल्ट कॉजेज जनरली करते हैं। तो इसके बाद 22 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर यील्डिंग प्लांट। तो सीधी बात है कि टेट्रिका मेस्टिवा मतलब गेहूं होता है, लेंसा कुलेनेरेस ये होगा नहीं, ग्लाइसिन मैक्स होता नहीं है, गॉसिपियम हिरसुटा मतलब कि कॉटन की बात की जा रही है, कॉटन मतलब कपास, कपास ये क्या होता है, फाइबर यील्डिंग क्रॉप है। इसके बाद 23rd जो क्वेश्चन है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल इज लिबरेटेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन, मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो अधिकांश जो ऊर्जा है वो किस चरण में बनती है। तो ये बनेगी अपनी जो ई है, मतलब कि पाइरूविक एसिड जब कन्वर्ट होता है CO2 एंड H2O में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी असर्शन और रीजनिंग रीजन टाइप का है, और इस क्वेश्चन में दिया है इन रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन टू पॉपुलेशन सो डेवलप्ड कैन बी यूज्ड एज अ सिंथेटिक वैरायटी। मतलब जो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन करते हैं, मतलब कि एक जो वैरायटी उसको दूसरे के लिए टेस्टर का यूज़ और दूसरे को पहले की तरह टेस्टर का यूज़ करते हैं, तो इसमें दोनों क्रॉप्स का वैरायटीज़ का एक साथ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो द इन रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन द टू पॉपुलेशन सो डेवलप्ड कैन बी यूज्ड एज अ सिंथेटिक वैरायटीज़। तो सीधी बात है, आप उनको सिंथेटिक वैरायटीज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन द GC ऑफ बोथ द पॉपुलेशन इज इंप्रूव्ड साइमल्टेनियसली। ये भी सही है, क्योंकि इसमें हम दोनों पॉपुलेशन को GC और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक जो वैरायटी है वो दूसरे के लिए टेस्टर की तरह यूज़ करती है और दूसरी वैरायटी पहले के लिए टेस्टर की तरह यूज़ करते हैं। तो इसमें हम दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड बनाने में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा। इसका सीक्वेंस होगा ADCBE। ए में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इनब्रिड, सबसे पहले आप इनब्रिड्स को बनाओगे, इसके बाद आप मॉर्फोलॉजिकल एवेल्यूशन करोगे इनब्रिड्स का, उसके बाद आप टेस्टिंग करोगे कंबाइनिंग एबिलिटी की, कंबाइनिंग एबिलिटी की टेस्टिंग करने के बाद इनका एवेल्यूशन करेंगे चेक वैरायटी के साथ। अब चेक वैरायटी के साथ एवेल्यूशन कर लिया, फिर उसकी आप सीड मल्टीप्लिकेशन करके उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 26 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है इन द जेनेटिक एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ टाइट लिंकेज में क्रिएट कन्फ्यूजन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो जब मैंने इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर भी डाला था तब भी मैंने इसको बताया था कि ये क्या होता है कि मे क्रिएट कन्फ्यूजन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो ये सीधी बात है, ये प्लियोट्रॉपी के साथ क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों करता है, देखो प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि एक जीन बहुत सारे ट्रेट्स को गवर्न कर रहा होता है, मतलब कि जो एक जीन है वो बहुत सारे ट्रेट्स को
कंट्रोल कर रहा होता है। बट जब हम देखते हैं कि टाइट लिंकेज है, तो टाइट लिंकेज में दो जीन हैं, बट वो ऐसा लग रहा है हमारे लिए कि वो एक ही जीन है, ठीक है, दो जीन है, बट वो लग कैसा रहा है कि एक ही जीन है। और वो जब ट्रेट को गवर्न करेंगे तो अलग अलग ट्रेट को गवर्न करेंगे, तो क्या होगा कि वो प्लियोट्रॉपी के साथ क्या कर रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये भी बी डी सिंह में साफ साफ दिया, अब बी डी सिंह को इसके लिए प्रेफर कर सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा बी। अब देखें 27वां क्वेश्चन, ह्यूगो डीब्रेस। तो ह्यूगो डीब्रेस ने क्या दिया था, म्यूटेशन दिया था। अगर बात करें फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म, और सी स्टर्न, तो सी स्टर्न ने जो ड्रोसोफिला होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर का साइटोलॉजिकल बेसिस दिया था, और मैसलसन और स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड दिया था डीएनए रेप्लिकेशन का। तो इसको भी आप इजीली मैच कर सकते हैं, पहले का क्या है म्यूटेशन, दूसरे का ये पहला, सी स्टर्न इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, तो ये इस तरह से मैच करना। इसके बाद 28 जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप्ड कर दिया गया है आईसीएआर की तरफ से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, बोल रहा है कि उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, बट उसको एनएरोबिक या एनऑक्सोबिक कंडीशंस में भी वो ग्रो कर सकते हैं उसको। तो इसको क्या बोल सकते हैं, फैकल्टेटिवली एनएरोबिक कंडीशंस, इसको एनएरोबिक बैक्टीरिया बोल सकते थे, बट जब क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गया तो शायद हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हो जो, तो इसको ड्रॉप कर दिया गया क्वेश्चन। अब मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजाइम्स फॉर द डीएनए मैनिपुलेशंस इंक्लूड द फॉलोइंग, डीएनए मैनिपुलेशंस में कौन से एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, न्यूक्लियस, लाइगेज और जो पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, ये और ये तीनों एंजाइम्स का। इसको अगर बात करें, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, इफ़ ए वूमेन कैरियर फॉर द कलर ब्लाइंड नेस मैरी टू ए कलर ब्लाइंड मैन एंड प्रोड्यूसेस सेवरल चिल्ड्रंस द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप कलर ब्लाइंड और नॉर्मल ऑफ द ऑफस्प्रिंग वुड बी। इसमें ये बोला गया, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दमदार क्वेश्चन नहीं था, जैसे कि एक्स एक्स करके एक फीमेल है, वो बोल रहा है कि कैरियर है, कैरियर मतलब कि एक क्रोमोसोम पे उस पर, इसका जब हमने क्रॉस कराया किसके साथ, एक एक्स वाई मेल के साथ, जो कि क्या है, कलर ब्लाइंड है। अब जब इसकी प्रोजेनी बनेगी वो इस कुछ इस प्रकार से बनेगी, एक्सी 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 वाई एक्सी एक्स और एक्स वाई। तो अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ये क्या होगा, कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, ये कलर ब्लाइंड मेल होगा, ये क्या होगी, कैरियर फीमेल होगी, और ये क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी कलर ब्लाइंड, तो ये गलत है, क्योंकि देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, सभी ऑफस्प्रिंग कलर ब्लाइंड नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑल मेल ऑफस्प्रिंग विल बी कलर ब्लाइंड एंड ऑल फीमेल विल बी नॉर्मल, तो ये भी गलत है। देखो 50% मेल के यहाँ कलर ब्लाइंड है, 50% नॉर्मल है। इसके बाद बोला गया कि थर्ड जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, ऑल मेल ऑफ स्प्रिंग विल बी नॉर्मल, सभी जो मेल ऑफ स्प्रिंग है वो नॉर्मल है, गलत ये भी, क्योंकि ये तो कलर ब्लाइंड था। और जो डी ऑप्शन है, ऑल द मेल ऑफ स्प्रिंग विल बी कैरियर और कलर ब्लाइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंड, तो भी बोल रहा है कि जो फीमेल ऑफ स्प्रिंग होगी वो कलर ब्लाइंड हो भी सकती है, या फिर उसके लिए कैरियर भी हो सकती है, तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद जो 31 जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था कि रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, तो कोई एक रामसर कंजर्वेशन कन्वेंशन की गई थी, जो कि किसके लिए की गई थी, वेट लैंड्स के लिए, मतलब कि जो दलदलीय भूमि है उसके लिए की गई थी, वो उसके संरक्षण के लिए किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, वेट लैंड्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये बोला गया है कि पॉलीसाइक्लिक डिसीजेस आर नाउन टू कॉजेज द प्लांट डिसीज एपिडेमिक्स, तो जो पॉलीसाइक्लिक जो डिसीज होते हैं वो प्लांट डिसीज एपिडेमिक्स कॉज करते हैं, तो ये सही है। पॉलीसाइक्लिक डिसीजेस इनिशिएटिंग पैथोजेंस प्रोड्यूसेस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इन्फेक्शंस इन द शॉर्ट टाइम, तो जो क्या होता है सबसे बड़ी बात इनकी यही है कि ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं, इसकी जो डिसीज साइकिल होती है बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में ये बहुत ज़्यादा प्रोजेनी बना लेता है, और ये जनरली एयर द्वारा क्या होता है इससे फैलता है, और इसके जो फोलियर पार्ट्स होते हैं उसमें फैलता है, तो इसके द्वारा ये दोनों सही हैं, तो ठीक है। इसके बाद जो 33 क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है, तो देखो इकरी सेट कहाँ पे है, हैदराबाद, मतलब कि
हाँ इक्री सेट कहाँ पे है। तो देखो सबसे पहले हमको देखना है कि किस तरह से हमको क्वेश्चंस अटेंड करनी है। अब हमको सबसे पहले क्या पता चल गया कि जो क्यू बॉटनिकल गार्डन है ये लंदन में, तो मतलब बी का कौन सा पहला है, तो इसी से आप सीधा आंसर लगा दो, पहला आंसर आएगा। अब आपको और सही से लगाना तो एक्री सेट, सीधी बात है एक्री सेट हैदराबाद में है, उसमें भी पटनचेरू में है। अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी कहाँ पे है, चेन्नई में। प्रोटेक्शंस ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी ये कहाँ पे, ये नई दिल्ली में है। पीपीवी एंड एफआर 2001 में आया था, 2005 से ये लागू हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, पहले का आईवी, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का सेकंड और दूसरे का डी का चौथे का थर्ड। इसके बाद 34 है, कलर ऑफ द सीट टैग यूज इन द फाउंडेशन सीट, फाउंडेशन को कैसा दिया जाता है, तो वाइट कलर का सीट टैग दिया जाता है फाउंडेशन को। इसके बाद 35 क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वीट सीड रिड्यूसेस द फिजियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ द सीड ऑफ ए सीड। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। कारण क्या है कि ये फिजियोलॉजिकल प्योरिटी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल प्योरिटी नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब कि वो सीड की फिजियोलॉजिकल प्योरिटी को कैसे कम करेगा। सीड ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वीट हैव द सेम शेप एंड साइज एज द क्रॉप सीड, तो ये सही है। मतलब कि जो ऑब्जेक्शनेबल वीड होते हैं उनका मतलब कि शेप और साइज एक समान होता है, जिसके कारण उनको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आती है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी, मतलब फर्स्ट फॉल्स है एंड स्टेटमेंट इज राइट। इसके बाद अगर हम देखें ए पैथोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डराइव ऑल कार्बन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल कार्बन सोर्सेज, ये सही है। और एन ऑक्सोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स वन और मोर ग्रोथ फैक्टर्स इन द एडिशन टू द प्रिंसिपल कार्बन सोर्सेज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जेनेटिक्स की बात करते हो, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कल्चर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि वो पैथोट्रॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑक्सोट्रॉपिक है। तो अगर देखो ऑक्सोट्रॉपिक होगा तो उसमें उसको क्या है कि अलग अलग प्रिंसिपल जो कार्बन सोर्सेज है उसके अलावा भी उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ेस की आवश्यकता होगी। अगर उसको एक्स्ट्रा चीज़ेस नहीं दी जाएंगी, जो अलग अलग जो सोर्सेज हैं या सब्सटेंसेज हैं, तो वो उसके ग्रोथ नहीं करेगा। इन जो ऑर्गेनिज होते हैं इनको बोलते हैं ऑक्सोट्रॉपिक, तो ये सही है। और जो फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज होते हैं वो सभी जो उनके कार्बन रिक्वायरमेंट होते हैं वो प्रिंसिपल कार्बन सोर्सेज से प्रोवाइड कर लेते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका भी आंसर है डेवलपमेंट ऑफ द सीडलेस फ्रूट वुड नॉट बी यूजफुल इन द केस ऑफ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो मैंगो में सीडलेस वैरायटी है सिंधु, ग्रेप में अगर बात करें थॉमसन सीडलेस, और ऑरेंज में भी जनरली देखा जाए तो सीडलेस वैरायटीज का प्रचलन चल रहा है। बट अगर बात करें पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट में आपने सीड नहीं है, तो जब हम उसका खाते क्या है, जूसी सीड को ही खाते हैं मेनली अगर अपन देखें तो अगर पोमग्रेनेट में सीडलेस वैरायटीज यूजफुल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगर बात करें 38 क्वेश्चन, पाउडर मिड्यूल डिसीज ऑफ क्रॉप्स आर इनिशिएटेड बाय, तो पाउडरी मिड्यूल जो है वो किसके द्वारा इनिशिएट होगा, मतलब कि प्रारंभ किया जाएगा, तो वो है अपना सबसे पहले तो देखो पाउडरी मिड्यूल किसके द्वारा होता है, तो ये इरिसिफी वगैरह जो है इनके द्वारा होता है, फंगस है ये, और फंगल में भी कैसा है बायोट्रॉप्स, बायोट्रॉप्स मतलब कि जिनके लिए लिविंग प्लांट या ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना पहला, फंगल बायोट्रॉप्स। इसके बाद 39वां जो क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि प्लांट पैथोजेंस कैन बी डिटेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड यूजिंग एलिसा एंड PCR, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें वो लगे है कि जब हम जो एलिसा और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट असेज और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन दोनों के प्रयोग करके कैसे हम डिफरेंट पैथोजेंस को आइडेंटिफाई या उनकी पहचान कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है, एलिसा बेस्ड डिटेक्शन इज मोर यूजफुल फॉर द वायरल पैथोजन डिसेक्शन देन द बैक्टीरियल पैथोजेंस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप वायरस को डिटेक्शन करना होता है तो हम उसमें जनरली एलिसा का यूज़ करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट असे, बैक्टीरिया में जनरली एलिसा का यूज़ नहीं किया जाता। फंगल डिसीजेज आर मोर एमिनेबल फॉर द एलिसा बेस्ड डिटेक्शन देन प्लांट वायरसेज, ये गलत है। फंगस के लिए जनरली क्या होता है, एलिसा प्रेफर नहीं किया जाता। इसके बाद जो थर्ड है वो है कि बैक्टीरियल पैथोजेंस आर मोर एमिनेबल फॉर द PCR बेस्ड डिटेक्शन देन द प्लांट वायरसेज, तो ये भी गलत है। इसके बाद डी जो है, बैक्टीरियल पैथोजेंस आर मोर एमिनेबल फॉर द PCR बेस्ड डिटेक्शन देन द फंगल पैथोजेंस, तो ये भी गलत है। इसके बाद जो ई ऑप्शन है वो फाइटोप्लाज्मास इज अ मोर एमिनेबल फॉर द PCR बेस्ड डिटेक्शन देन एलिसा, तो ये सही है। फाइटोप्लाज्मा के लिए जनरली हम क्या करते हैं, PCR का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सही लगाएंगे, क्योंकि पहला तो हमारा सही हो रहा था, तो अगर जिसका आपको पता है कि पहला सही हो रहा है, तो ये तीनों में तो पहला था नहीं, तो आपका सीधा आंसर होगा डी आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि
नेशनल एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर कलेक्शंस, जो कि कहाँ पे है, महू में लोकेटेड है, लोकेटेड इन महू नाथ भंजन उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? ये सही है। अब जो है, नैमिक हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ द इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी अंडर द बुडापेस्ट ट्रीटी इन 2020। तो जो बुडापेस्ट जो ट्रीटी थी माइक्रोवियल कल्चर माइक्रोवियल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो उसकी जो ट्रीटी थी उसके अंतर्गत जो नाइमेक था उसके लिए इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी का दर्जा दिया गया। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये इसमें दोनों ऑप्शन सही थे, मतलब कि इसका ये आंसर रहेगा। इसके बाद 41 जो क्वेश्चन है, तो इसमें है कि इम्पोर्ट परमिट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नीडेड टू इंट्रोड्यूस इन इंडियाज एनी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये सही है, बट द इम्पोर्ट परमिट इज साइंड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR। तो ये क्या है, गलत है, मतलब कि पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना सी आंसर आएगा इसका। इसके बाद 42 क्वेश्चंस, 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा इनमें से XC2 कंजर्वेशन साइट, XC2 मतलब कि जिसमें हम नेचुरल जो साइट है उसकी, उसके जगह दूसरे प्लेस पे उसको हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। तो इसमें देखो जीन बैंक क्या है, ये XC2 है। सबसे पहले देख लेते हैं इन-सीटू कौन कौन सी है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व इन-सीटू में, बाकी ये फर्स्ट सेकेंड और ये ई। पहला बी और ई जिसमें होंगे वो अपना पहला आंसर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ये तीनों क्या है, XC2 है। इसके बाद अगर देखें 43 क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्शनेबल वीट दिए हैं और उसके बाद उसके क्रॉप दे रखी है। तो ऑब्जेक्शनेबल वीट जैसे अगर देखें तो आर्जिमोन मैक्सिकाना, सीधी बात है, रैपसीड और मस्टर्ड में लगता है, जोहानसन ग्रास सोरगम में लगता है, चिकोरियम इंटायवस ल्यूसर्न में लगता है, और फलेरिस माइनर वीट में लगता है। तो इसका हमारा पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पी। इसके बाद अगर देखें तो आइडियल CN रेशियो ऑफ द मैच्योर कंपोस्ट इज, तो जो मैच्योर कंपोस्ट होता है उसका आइडियल CN रेशियो कितना होता है, तो इसका आइडियल CN रेशियो होगा 20 से कम। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 20 से 20 रेशियो 1 से कम होना चाहिए, उसमें कार्बन की मात्रा कम होनी चाहिए और जो नाइट्रोजन परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम देखें 45 क्वेश्चंस का सी बोल रहा है कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स कैन बी यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ अ पर्पस सच एज, तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं। तो पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ थ्री वे क्रॉसेस, इसके बाद बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड्स, और वो बोल रहा है कि डी प्रेडिक्शंस ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड्स। तो इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स का। इसके बाद 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है कि एसर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, इन द लाइसोजेनिक साइकिल द वायरल न्यूक्लिक एसिड डज नॉट हैम्पर द फंक्शंस ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम्स। अब सबसे पहले आपको दो साइकिल पता होना चाहिए जो वायरस है उसके ग्रो होने के, एक होता है लाइटिक और दूसरा होता है लाइसोजेनिक। लाइटिक में क्या होता है कि जो जैसे कि ये बैक्टीरिया का जेनेटिक, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, तो लाइटिक में क्या होगा कि ये इससे डिग्रेड कर देगा, इसको नष्ट कर देगा और बैक्टीरिया को क्या कर देगा, मार देगा। बट जो लाइसोजेनिक होता है उसमें क्या होता है कि ये इसमें आके जो अपना बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उससे जाके वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो जुड़ जाता है और उसी के साथ साथ रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर देता है, बट वो उसके जो फंक्शंस हैं होस्ट बैक्टीरिया के उसको हैम्पर नहीं करता है। तो ये फर्स्ट जो एसर्शन है वो सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड देखें, रीजन इन लाइसोजेनिक साइकिल द न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेज गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन टू द होस्ट DNA एंड बिकम ए प्रोफेज एक्टिंग एज अ जीन, और वो किससे इंसर्टेड हो जाता है, जो फेज है उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा और फिर क्या होगा, वो एज अ प्रोफेज की तरह काम करेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, दोनों एसर्शन और रीजन ये सही है, मतलब कि इसका आंसर होगा अपना फर्स्ट, मतलब वो उसकी तरह एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। इसके बाद जो 47 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स बताइए डेवलपमेंट और किसी क्रॉप वेराइटीज़ के रिलीज में, तो क्या क्या उसका क्रोनोलॉजिकल वो सीक्वेंस आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आप जीनोटाइप, किसी जीनोटाइप को डेवलप करोगे, उसके बाद उसका प्रिलिमिनरी ईल्ड ट्रायल लगाओगे,
प्रिलिमिनरी ईल्ड ट्रायल लगाने के बाद हम क्या करते हैं, मल्टी लोकेशंस पे उसको ईल्ड ट्रायल करते हैं एक्रेप के माध्यम से। अब मल्टी लोकेशंस पे अपने ईल्ड ट्रायल लगा दिए, उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैरायटी, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, वैरायटी को रिलीज कर देंगे, रिलीज एंड नोटिफाइड कर देंगे जो सीड एक्ट होता है 1966 उसके जो सेक्शन 5 है उसके अंतर्गत, उसको रिलीज कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। इसके बाद 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द टू जीन्स इज अफेक्टेड बाय दी। तो इसमें बोला गया है कि दो जीन्स हैं उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की वो किससे अफेक्ट हो रही है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कपलिंग और रिपल्सन फेज। तो कपलिंग और रिपल्सन फेज में फ्रीक्वेंसी को ये इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी से कोई इफेक्ट नहीं होता है। कि देखो अगर 10% रिकॉम्बिनेशन है तो कपलिंग फेज में भी 10 रहेगी, अगर आप रिपल्सन फेज में जाओगे तब भी 10% रहेगी, तो ये इससे चेंज नहीं होता है। इसके बाद लोकेशंस ऑफ द जीन्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रोमियर, ये इससे इफेक्ट ये होता है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ये भी होता है, और इसके बाद जो डिस्टेंस है ट्रांसलोकेशन ऑफ द जीन्स इससे भी इफेक्ट होता है, और जो सिनेप्सिस और एसिनेप्सिस, इन सिनेप्सिस और डीसिनेप्सिस जो होती है उनके द्वारा भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है इफेक्टेड होती है। तो मतलब इसका ए गलत है, मतलब जिन जिन ऑप्शंस में ए दिया रहेगा वो ऑप्शंस नहीं होंगे, पहला दूसरा और ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर होगा सी। मतलब कि इसका बी सी डी और ई ये सभी क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। ये भी बी डी सिंह से डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन इसके बाद 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि फर्मेंटेशन ऑफ द कैटल डंग प्रोड्यूसेस बायोगैस विच कैन बी यूज्ड फॉर द कुकिंग एंड द सलरी प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये बोला गया है कि जो फर्मेंटेशंस होती है कैटल के डंग की या गोबर की, उसके द्वारा जो बायोगैस बनती है उसको हम कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, और जो उसकी सैलरी प्राप्त होती है उसको हम एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसके बाद दे रखा है कि एथेन इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द बायोगैस, तो ये सीधी बात है गलत है, सीधी बात है मैथेन होता है बायोगैस का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट सही है, बट का तो जो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें नंबर का, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज अ लेबल्ड एज अ एसर्शन, वन एसर्शन और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है सीधी बात है। और बोला गया कि देखो प्लांट डिसीज सिम्टम्स नीड नॉट हरवर द पैथोजन प्रोपेगेट्स ऑलवेज, तो ये जो पहला है वो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ ट्रू, बट जो स्टेटमेंट सेकंड है ये गलत है। क्राउन गॉल हरवर्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंसिस, क्राउन गॉल नहीं करता उसको हरवर तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंसिस को, मतलब किसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है, एसर्शन फर्स्ट सही है, रीजन इसका गलत है। इसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, इसको ICAR ने ड्रॉप्ड कर दिया। कारण क्या है इसके पीछे कि इसमें इनको देना था पूरा जो क्वेश्चन है वो ईयर देना था, इनको पूछना था कि 2023 में क्या किसके तौर पर इसको डिक्लेयर्ड किया गया ईयर को, तो वो आता सीधी बात है मिलेट, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है और जो ICAR ने इसको ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 52 में ए टॉल ग्रीन ग्राम प्लांट वॉज अक्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ प्लांट, ऑल द F1 प्लांट्स वेयर ऑफ इंटरमीडिएट हाइट, द F2 प्लांट्स प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटिपिक क्लासेस इन द रेशियो ऑफ 1:4:6:4:1, हाउ मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग द प्लांट हाइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधा क्वेश्चन है आपका, जो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस में निल्सन एंड एले ने जो काम किया था, तो इन्होंने दो कैरेक्टर्स के लिए ये काम किया था, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनके लिए बताया था उन्होंने, दो जीन्स के द्वारा गवर्न हो रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। और आप इसके उससे अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, जैसे कि अगर पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन कितनी बन रही है, 4, 4, 8 और 2, 10 और 6, 16 की पॉपुलेशन बन रही है, मतलब कि 16 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन को अगर बनने के लिए 4 पावर आप 2 की लगाओगे तो सीधी बात है 16, आंसर आपका कितना आएगा 2। यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके थे इसको सॉल्व करने के, बट आपको डायरेक्ट ऐसे याद रहता है क्योंकि निल्सन और एले ने मतलब यही कि बिल्कुल 1:4:6:4:1 निल्सन एले के उस एक्सपेरिमेंट्स अपने लिए प्राप्त हुआ था। तो ये हो गया 53 क्वेश्चन है। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्लांट वायरसेज आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, तो ये सही है। देखो प्लांट वायरस, बहुत सारे प्लांट वायरसेज जैसे कि ग्रीन लीफ हॉपर से,
राइस टंगरो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, तो बहुत सारे वायरस हैं जिनको इंसेक्ट द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। अब इसके बाद दे रखा है कि ओनली सकिंग इंसेक्ट आर कैपेबल ऑफ द ट्रांसमिटिंग प्लांट डिजीज, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं उनके द्वारा इनको ट्रांसमिट किया जाता है, कि जैसे कि कुछ बग्स हैं वो भी ट्रांसमिट कर रही हैं, कुछ बीटल्स हैं वो भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सकिंग नहीं है, बाकी जो इंसेक्ट हैं वो भी ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, मतलब सी आंसर इसका आएगा। अब बात करें सीट कोट इज अ ड्राइव्ड फ्रॉम, तो सीट कोट किससे बना होता है, तो ये टेस्टा से बना होता है। अब बात करें कि 55 क्वेश्चंस मैदा कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये किसने दिया है, एफएससी क्रिक ने दिया है। सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है कि जो डीएनए है उससे आरएनए एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। इसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये दिया है अपना सर्टन एंड वावेरिन, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक, वन जीन वन एंजाइम जो थ्योरी है वो किसने दी है, वीडल एंड टेटम ने, न्यूरोस्पोरा क्रासा पे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना पहले का सी, दूसरे का आई वी, मतलब आंसर पहले ही आएगा इसका। इनके बाद बोल रहा है कि 56 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके बाद जो 57 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस इंपैक्टिंग इवन द वाइल्ड लाइफ, इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट डिसीज है जो कि एनवायरमेंटल वातावरणीय जो डिस्टरबेंस है उसको उत्पन्न करता है और वाइल्ड लाइफ पे भी ये इफेक्ट करता है, तो वो अपना कौन सा, चेस्टनट ब्लाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का, रिकल्सिट्रेंट सीड्स आर, तो जो रिकल्सिट्रेंट सीड्स कौन से सीड्स होते हैं, तो देखो जो रिकल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं वो ससेप्टिबल होते हैं डेसिकेशन, मतलब कि उनमें मॉइस्चर आप जैसे जैसे कम करोगे उनकी जो वाइबिलिटी है वो कम होती जाएगी, और आप जैसे जैसे उनको ज़्यादा कम टेम्परेचर देते जाओगे जैसे वैसे भी उनकी जो वाइबिलिटी है वो कम होती जाएगी, मतलब इसका ए और जो बी है वो दोनों सही हैं इसके लिए, और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, इन डस्ट ट्रायल्स द नंबर एंड द नेचर ऑफ द वेराइटीज लार्जली डिटरमाइन द यूज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो ये भी सही है। आपके पास जो डस्ट टेस्टिंग करते हैं डिस्टिंक्टनेस यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी का जो ट्रायल करते हैं, तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो वेराइटी का नेचर और वेराइटी का नंबर उसके आधार पर हम डिपेंड करते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये है। इसके बाद जो रीज़न बोल रहा है कि रेंडमाइज्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन इज़ अ मोस्ट यूज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन द डस्ट ट्रायल्स, तो ये गलत है। कारण क्या है इसके पीछे कि इसमें इनकम्प्लीट का नहीं करते, इसमें आरबीडी का ही यूज़ करते हैं, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन का जनरली यूज़ किया जाता है, तो ये अपना क्या होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा, मतलब कि सी आंसर इसका आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो जेनेटिक बैलेंस जो थ्योरी है जो ब्रिजेश ने दी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर सेक्स इंडेक्स की वैल्यू 1 आ रही है तो ये क्या होगा, फीमेल होगी, और अगर 0.5 आ रहा है तो ये क्या होगा, मेल होगा, मतलब कि पहले का क्या आएगा आईवी और दूसरे का क्या आएगा पहला, तो इन ये दोनों में से एक सही होना था। अब तीसरे का 0.67 तो मतलब ये क्या है, इंटरसेक्स, तो ये क्या होगा, ये मतलब पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब इसके आगे के जो 60 क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।